गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पाठ चार के आगे के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर आठ है, निम्नलिखित का अंतर 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी इनमें आपको अंतर बताना है उदाहरण के साथ में। तो पहला है आपका तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर, दूसरा यौगिक और योगरूढ़ में, और तीसरा विकारी और अविकारी में अंतर। तो सबसे पहले है आपका तत्सम तथा तद्भव शब्दों में अंतर। तो तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द, जैसे रात्रि, अग्नि, सूर्य आदि। फिर है आपके तद्भव शब्द, तो जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वो कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द, जैसे रात्रि का रात, आग, सूरज आदि। तो तत्सम तद्भव समझ में आ गए दोनों में अंतर, कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, और तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वो आपके तद्भव शब्द। अगला अंतर है हमारा यौगिक और योगरूढ़ शब्दों में अंतर। यौगिक और योगरूढ़ में अंतर, यौगिक शब्द वे हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं तथा जिनके सार्थकखंड किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द वे हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे सेनापति, सेना प्लस पति, यानी सार्थक खंड, सेना का अपना अर्थ और पति का अलग अर्थ। तो यौगिक शब्द वे हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे सेनापति। अगला आपका योगरूढ़ है, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जो शब्द यौगिक होते हुए भी, यौगिक होने से मतलब है कि दो या दो से अधिक शब्दों से योग से बने हों, कि जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है, यानी कि जो दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों और जिनके सार्थक खंड भी किए जा सकते हों, लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ हो गया हो, एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हों, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं आपके योगरूढ़ शब्द, जैसे पीतांबर, दो शब्दों से बना पीत प्लस अंबर, लेकिन किसके लिए प्रयोग हो रहा है? कृष्ण, श्री कृष्ण के लिए। तो ये है आपका यौगिक शब्द। अब है अगला आपका विकारी और अविकारी में अंतर। विकारी में और अविकारी में अंतर। तो विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आता है। विकारी शब्द वे हैं जिनमें लिंग वचन कारक के कारण क्या आता है? परिवर्तन आता है। इसका उदाहरण है जैसे संज्ञा, सर्वनाम विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द हैं वे शब्द, अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता। इनकी संख्या है 5, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। बार फिर से देख लो विकारी शब्द को, कि विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण कोई भी परिवर्तन के कारण परिवर्तन आता है। ये हैं संज्ञा, सर्वनाम विशेषण और क्रिया। और अविकारी वे हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता। इनकी संख्या है 5, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये हैं आपके बेटा प्रश्न, तीनों प्रश्न आपको करने हैं। इसके बाद में है आपकी बुक की एक्सरसाइज। नीचे लिखे शब्दों में के हिंदी पर्याय लिखिए। यहाँ पर कुछ इंग्लिश के शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको हिंदी में अर्थ लिखने हैं, जैसे फिजिक्स, भौतिकी, कम्युनिकेशन, संचार, ट्रांसफर, स्थानांतरण, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र, कैपिटल, पूंजी, कंसाइनमेंट, प्रेषण। आगे है दो या दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, कि हमें इनके दो दो पर्यायवाची लिखना है। अग्नि का आग और पावक, हवा, वायु, पवन, सूर्य, सूरज, रवि, पृथ्वी, भू, धरती, विलोम शब्द, सत्य, असत्य, योग्य, अयोग्य, प्रकाश, अंधकार, प्रशंसा, निंदा। दो या दो दो अर्थ लिखिए, इनके दो दो अर्थ लिखने हैं, यानी कि एक ही शब्द है लेकिन इनके अर्थ दो दो निकल रहे हैं, जैसे तीर, बाण और नदी का किनारा, कर, हाथ और टैक्स, आम, फल और साधारण। किसी भी व्यक्ति के लिए आम बोलते हैं, जैसे आम आदमी तो वो साधारण, दंड सजा भी होती है और डंडा भी होता है। तो आपको बेटा ये तीनों प्रश्न नोटबुक में करने हैं, तत्भव और तत्सम शब्दों में। ये अंतर वाले जो प्रश्न हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए, ये तीनों फिर नोटबुक में नोट करने हैं और ये आपको बुक में ही फिल करने हैं। थैंक यू।